जिले के बढ़वा के समीप ग्राम अगरवाड़ा रहवासी प्रकाश रायल की 16 वर्षीय लड़की अपने घर से 8 सितंबर रविवार शाम घर शौच करने का कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस अपने घर नहीं लौटी। जब युवती के पिता प्रकाश रायल मजदूरी कर घर आया तो पत्नी ने पति को बताया कि छोटी लड़की कब से शौच जाने का बोलकर निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई है। पिता ने यह बात सुनते ही युवती के आसपास तलाश की। जब युवती का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने बड़वा थाने पर सोमवार को युवती की गुमशुदगी दर्ज करवाई। युवती के पिता प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि मैं मजदूरी करने बाहर गांव गया था, इस दौरान मेरी बेटी उसकी माताजी और दादी के साथ घर पर ही थी। पिता ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने की शंका जाहिर की थी, किंतु गुरुवार को ग्राम अगरवाड़ा में जब ग्रामीण जन गणेश विसर्जन के लिए गांव के ही एक कुएं में मोटर से पानी भरने पहुंचे तो उन्हें कुएं से युवती की आवाज आई। तभी ग्रामीण जनों के साथ खड़े युवती के काका ने भारती की आवाज पहचान कर ग्रामीण जनों की मदद से युवती को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद परिजन युवती को अस्वस्थ स्थिति में उपचार के लिए बड़वा शासकीय अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने उपचार के दौरान युवती का एक पैर फ्रैक्चर होना बताया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये दिनांक 9/9/2019 को ग्राम आगरवाड़ा के एक निवासी है प्रकाश, तो उन्हें रिपोर्ट की थी कि हमारी बच्ची दिनांक 8 तारीख को दोपहर में उसी दिन घर से लेटरिन करने के बोल के गई थी, किंतु वो शाम तक आई नहीं, तो उन्हें रात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिनकी रिपोर्ट पे से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार धारा 363 का अपराध कायम किया गया था और उनके तलाश की जा रही थी, जिसमें आज जानकारी लगी थी कि वो जो बच्ची थी वो कुएं में है, तो वहाँ पहुँच के ग्रामीणों की मदद से बच्ची को बाहर निकलवाया गया है। बच्ची चूँकि अभी सदमे में है, इसका वो बोल नहीं पा रही है, चूँकि डॉक्टर साहब ने बताया गया है कि अभी वो सदमे में बयान देने की स्थिति नहीं है, तो उनसे कथन लेके उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने बताया कि पुलिस लगातार 3 दिन तक रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद एक दिन भी वहाँ नहीं पहुँची। नहीं, चूँकि पुलिस उसमें गई थी और बाकी जो आईओ थे, जांच करता अधिकारी भी थे, क्योंकि मोहराम और ये गणेश उत्सव समिति कंटिन्यू इसमें त्यौहार आ गए थे, ड्यूटी में व्यस्त थे, बाकी पुलिस गई थी। सर, अभी जो अगरवाड़ा की बच्ची जो कुएं में मिली है वो कितने बजे हॉस्पिटल आई और क्या स्थिति है उसकी? वो तकरीबन 6 बजे हॉस्पिटल आई जी, उसके परिजनों द्वारा उसको लाया गया और ये बताया गया, लड़की तो उस वक्त कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी जी, उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये लगभग 3-4 दिन से कुएं में गिरी है, तो उसको निकाल के लाए हम। जब उसका परीक्षण किया लड़की का मैंने, तो लड़की शॉक में थी, घबराहट में थी, उससे पूछने पर वो एकदम से कुछ क्लियर बता नहीं पा रही थी। उसके शरीर में हालांकि चोटें तो ज़्यादा नहीं थी, मतलब खून जो बहने वाली चोटें वो नहीं थी, लेकिन सीधे पैर में रगड़ थी और उल्टा पैर जांघ की हड्डी से फ्रैक्चर हो के पूरा उसके सीने की तरफ फोड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब जब वो गिरी होगी, हो सकता है उस वक्त उसको फ्रैक्चर हुआ और उसका पैर पूरा ऐसा फोल्ड हुआ था। हमने उसको इंजेक्शन दिया, उसका इलाज शुरू करा, उसके पश्चात उसका पैर सीधा करा, उसके पैर में स्प्लिंट लगाया और जिस पैर में घाव था उस पैर में ड्रेसिंग करी और उसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट सलाइन वलाइन वो लगाया गया। तब वो लड़की कुछ कहने की स्थिति में आई, तब हमने उससे पूछा कि भैया वो कैसे उसके साथ ये दुर्घटना हुई, तब उसके द्वारा बताया गया कि मुझे कुछ याद नहीं जी। तो सर, उसको आगामी इलाज के लिए उन्होंने हमारे द्वारा इंदौर रेफर कर दिया गया। इंदौर तो अभी नहीं है, अभी तो यही इलाज। हाँ, मतलब अभी उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दे के बलवाड़ा की एम्बुलेंस को बुलाया गया, वो आने में समय लेगी, उस बीच में पैसी आएगी, उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस को सूचना दी गई? सर, पुलिस सूचना दी गई, पुलिस आ चुकी है, पुलिस के द्वारा भी यही कहा गया कि अभी लड़की बयान देने की स्थिति में नहीं है, है ना। हालांकि उसके परिजन ही बता रहे कि सर वो गिर गई थी, लेकिन बच्ची का और आगे महिला डॉक्टर द्वारा परीक्षण करना है, इसलिए उसे आगामी इलाज की और परीक्षण की जरूर दी जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।